नमस्कार, मैं चंचल जैन, कुकिंग मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। आइए देखते हैं, कोई बासुंदी भी बोलते हैं उसको, वो बनाने जा रही हूँ। देखिए, आज हम केसर की रबड़ी बनाएंगे। उसके लिए 1.5 लीटर दूध लिया है और केसर डाल के रखा है। धीरे धीरे उसको उबलने देंगे। दूध उबल रहा है रबड़ी का। अब ये मलई आए तो ये धीरे धीरे से इधर सरकाते जाना, पीछे लेते जाना उसको, मलई को। इस तरह से करते जाना, दूध को हलाना नहीं, उबलने देना है। पूरी मलाई को साइड में लेते जाना है धीरे धीरे। इस तरह से ये मलाई को ये ऊपर करते जाना है। रबड़ी के पूरे गुच्छे यहाँ ऊपर जमा हो गए। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची डालेंगे, 3-4 इलायची पाउडर। थोड़ी से आधी कटोरी शक्कर डालेंगे। ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती रबड़ी। देखिए मलाई कितनी अच्छे से जमा हो गई हमारे। इसको एक बार भी हमने हलाया नहीं है, सिर्फ मलाई को ही ऊपर करते गए। पूरी मलाई के गुच्छे गुच्छे बन गए। तो ये हमारी रबड़ी अच्छे से तैयार हो गई है। देखिए मलाई के गुच्छे गुच्छे आ गए हैं इसके अंदर, और ठंडी होने पे और अच्छे गुच्छे गुच्छे आ जाएंगे मलाई के। और इतनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है, देखिए ये मलाई के गुच्छे। मलाई के गुच्छे आना है तो ही वो बासुंदी बहुत अच्छी लगती है। देखिए हमारे रबड़ी तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है। एकदम गाढ़ी गाढ़ी मलाई के गुच्छेदार रबड़ी है एकदम। एक कटोरी खाओ तो मस्त हो जाते हैं।